रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। वहां के लोग भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, विकसित भारत में रहना ही उनका सपना है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अब भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, अब हम मुंह तो जवाब देते हैं। और कश्मीरी भी अब हमसे सारी बात है लार्जली तंग आ चुके हुए हैं, जो कि एक फैक्ट है। अगर आप कश्मीरियों से बात करें तो कोई भी पाकिस्तान में शायद ना जाना चाहता हो। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। और दूसरा, भारत का पक्का मंसूबा है कि ये हमें डिसमेंटल करेगा और हमें निगलेगा। ये अल्फाज उन्होंने बार बार इस्तेमाल किए कि हमें निगलने या डिसमेंटल करने का पक्का प्लान है। तो उसके लिए फिर हम अकेले लड़ नहीं सकते, हमें जो है इंटरनेशनल मदद की जरूरत है। अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, ठीक है? क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पता है इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी आवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। ये मामला ही जो है, इसके इम्कान खत्म हो गए कि मसला कश्मीर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असम्बली में या कहीं हल हो सकता है, क्योंकि एक इतनी बड़ी सुपर पावर जो है वो उसको वीटो कर रही है और बड़ी क्लियर पॉलिसी के तहत कर रही है। प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। एक बात कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ईमानदारी से मैं ये बताऊंगा, अभी तक जोरों शोरों से चुनाव प्रचार तमाम पार्टियां कर ली, लेकिन अगर कोई पार्टी ये कह रही है कि हम पीओके वापस लेंगे तो सिर्फ बीजेपी ही है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही है जो ये कह रही है बार बार कि हम पीओके को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेके रहेंगे, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो जयशंकर साहब हो, तमाम जो हमारी बीजेपी की पार्टी है वो उनके हर नेता लोग कह रहे हैं कि हमें पीओके जल्द से जल्द वापस लेना है। क्या कोई और पार्टी नहीं कह सकती? क्या ये देश हित का फैसला नहीं है? इस पर पूरे देश को एकमत नहीं होना चाहिए? इस पर आप लोगों को अपनी राय जरूर देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से राजनाथ सिंह जी ने बंगाल में जो है कहा कि भाई इस बार अगले पंचवर्षीय में पीओके भारत में मिलना तय है, ये मान के चलिए, ठीक है। एटलीस्ट उत्साह तो दिखाया जा रहा है, एटलीस्ट क्लेम तो किया जा रहा है। कांग्रेस हो या तमाम अन्य जो पार्टीज है, उन्होंने तो एक बार मुंह से ये भी नहीं किया, कहा कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। 140 करोड़ आबादी तो कह रही है, बीजेपी गवर्नमेंट तो कह रही है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, लेकिन और कोई पार्टी मुंह से ये बोलने में उनको शर्म आ रही। इसको क्या कहा जाए, आप लोग खुद बताइए। पाकिस्तानियों का तो रोना इस पर लगा रहता है जब भी गवर्नमेंट भारतीय गवर्नमेंट कहती। ये पाकिस्तान की जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसने रियलाइज नहीं किया। उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं कश्मीर के लिए, चूंकि हम एक छोटा मुल्क हैं, हम तो गुरबत ज़दा हैं, हमारे जो है वो मस्जिद भी अभी ठीक नहीं है, उस वक्त की बात इब्दा में, तो हमें जो है वो एलाइज की ज़रूरत है, बड़ी कुवतों की ज़रूरत है, वो हमें पैसे भी दें और हमारी मिलिट्री मदद भी करें ताकि हम अपनी फौज खड़ी करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये चीज़ सामान हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, यानी साथ में आवाम को उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए करना हमारा ज़रूरी इसलिए है कि हमने कश्मीर लेना है, नंबर वन, और दूसरा भारत का पक्का मनसूबा है कि ये हमें डिसमेंटल करेगा और हमें निगलेगा। ये अल्फाज उन्होंने बार बार इस्तेमाल किए कि हमें निगलने या डिसमेंटल करने का पक्का प्लान है। तो उसके लिए फिर हम अकेले लड़ नहीं सकते, हमें जो है इंटरनेशनल मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उस मदद के जवाब में फिर जो रिएक्शन होगा वो जाके डायरेक्टली मसला कश्मीर को उसने हिट किया, और जिस फोरम पे जहाँ जहाँ जो लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे हमदर्दी से मसला कश्मीर को या गैर जानबदारी से, उन्होंने कहा कि नहीं जी, दिस इज़ नॉट, ये इतना सिंपल मामला नहीं है, बल्कि ये एक मैनिपुलेशन है, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और हम इसकी इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। एक पॉइंट ये था इसका। बिल्कुल भाई साहब, ये तो एक बड़ी लंबी चार्जशीट है हमारे खिलाफ, और जिसको अगर हम ना तो हम इसको जो है वो कहीं अपने दुश्मन खुद ही हम बनाने के बड़े एक्सपर्ट हैं, और अपनी जो स्टोरी है उसको हम जिसे कहते हैं ना कि कश्मीर के मसले को हमसे ज़्यादा किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि इनकंसिस्टेंट अगर फौजी आए हैं तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनकी किसी की अपनी अप्रोच है, किसी की अपनी अप्रोच है, और कश्मीरी भी अब हमसे सारी बात है लार्जली तंग आ चुके हुए हैं, जो कि एक फैक्ट है। अगर आप कश्मीरियों से बात करें तो कोई भी पाकिस्तान में शायद ना जाना चाहता हो, कोई भी इंडिया के साथ ना जाना चाहता हो। ये मुस्लिम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीरियों के अंदर, लेकिन मेजॉरिटी शायद इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते होंगे
या कहीं जो उधर कश्मीर में है वो कहते हैं कि बस हम जिधर हैं मौजूद हैं। सो ये चीज़ तो हमें इस चीज़ की समझ आती है। लेकिन ब्रेसा ये जो मॉडर्न टाइम है अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस तो बड़ा आपने बड़ा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मॉडर्न टाइम जो है इसमें आपको लगता है कि एनी टाइम इसकी कोई रेलिवेंस बन पाएगी? अब तो कश्मीरीज भी बिजी हो गए हैं इंडिया के साथ, गो के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिले, इंडिया इटसेल्फ तगड़ा हो गया, तो जितनी तब्दीलियां इंडिया के अंदर आ रही हैं, आपको लगता है कि अभी ग्लोबली मुस्लिम वर्ल्ड से और हम खुद दो तीन एंगल से अगर इसको देखा जाए, क्योंकि अक्सर हम पाकिस्तान के मीडिया में देखते हैं जब बात होती है तो सारे यही कह रहे हैं जी ह्यूमन राइट्स बॉडी, ह्यूमन राइट्स बॉडी, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करते कि जो है वो हमारी मदद करे। आपको लगता है इन तीन लेवल्स पे, नेशनल, इंटरनेशनल, मुस्लिम वर्ल्ड और हमारे लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे कोई तब्दीली या कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जो इस मसले के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट ला सके, या इसको एटलीस्ट किसका कुछ स्टेटस बदला जा सके? चूंकि या तो आप एक पोजीशन इख्तियार करें ना जी कि हमने पूरा मन तरीके से ये मसला हल करना है, तो उसके लिए आप पूरे खलूस दिल के साथ जुड़ जाएं और उसको उस तरीके से हल करें, तो या फिर आप ये कहें कि नहीं जी इस तरीके से ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन आप दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहें कि नहीं जी हम मनपसंद लोग हैं और हम जो है वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनफैक्ट जो है अंदर ही अंदर जो प्रॉक्सी वार्स हुई हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता रहा, इन्फिल्ट्रेशन होती रही, और ये जो जुनून क्रिएट किया गया पाकिस्तान में ऑफिशियली, इतनी बड़ी जो है कुवतें क्रिएट की गई इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट जिन्होंने जो है भारत के खिलाफ एक बाकायदा कंपेन लॉन्च की, जिसके असरात आज आप कह रहे हैं तो आज भी उसी तरीके से नजर आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स ये। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, ठीक है? क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है? अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2-3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेज हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ गवर्नमेंट की, कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है, 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेज होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं है। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? दो चीजें, और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए या एक लॉजिकल बात है, एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है, तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे, तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है? लेकिन आप मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है? 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है? जय हिंद दोस्तों, कल BBC की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें ये बताया गया कि 75% से ज्यादा इस्लामिक देश ये मानते हैं कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया उसमें ईरान की गलती है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं मोरली एथिकली 75% मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ खड़े नहीं है। BBC ने यह भी बताया कि कई मुस्लिम देश तो ऐसे हैं जिनका इसराइल के साथ बहुत अच्छा खासा ट्रेड भी है, और कई मुस्लिम देशों को इसराइल जो है वेपन भी सप्लाई करता है। आप जान के हैरान होंगे कि UAE भी उनमें से एक, ठीक है, जिनके साथ इसराइल के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन है और उनके साथ शायद वेपन्स की भी डील होती है, तो आप समझ सकते हैं। BBC ने यह भी बताया कि जो सिर्फ 25% इस्लामिक देश है पाकिस्तान, और ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट तत्वों को हमेशा से सहायता करते रहे हैं, ऐसे ही लोग सिर्फ ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मोरली।
ठीक है, और कोई हेल्प नहीं कर सकते, ना सैन्य मदद कर सकते हैं, ना आर्थिक मदद कर सकते हैं, बस मोरली ईरान के साथ 25% इस्लामिक कंट्री खड़े हैं, जिनमें से अधिकतर बर्बाद कंट्री, बर्बाद कंट्री इन द सेंस कि लेबनान खड़ा है, सीरिया खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, यमन खड़ा है। इन सब देशों की अगर आप हालात चेक कीजिए तो इनकी अर्थव्यवस्था नीचे से आप लोगों को 15वें नंबर पर मिलेगी, नीचे से।